संभल में संचालित मदरसा अजमल उल उलूम के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद तमाम वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिन्होंने देश और मदरसे की तरक्की के लिए दुआ मांगी। आपको बता दें, संभल में सदर कोतवाली क्षेत्र के ठेर मोहल्ला स्थित अहले सुन्नत अजमल उल उलूम मदरसा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी तिलावत कलाम पाक से शुरुआत की गई, जिसके बाद उलेमाओं ने अपने अपने विचार रखकर मदरसे के 100 साल के कार्यकाल को विस्तार से बताया, जिसमें उलेमाओं ने बताया इस्लामी साल के अनुसार मदरसे को 100 साल पूरे हो गए हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चों ने कई ऊंचे पदों पर पहुंचकर नाम कमाया है। आज प्रोग्राम का आयोजन ये हो रहा है कि मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उल उलूम संभल को सन हिजरी के अतबार से इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो है 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम आज दुआया प्रोग्राम हमने रखा है कि जिस तरह से माजी में यहाँ से हमारे अजीम सपूत फारिग हुए कि जिन्होंने हिंदुस्तान और बाहर भी हमारे संभल का नाम रोशन किया, इस इदारे का नाम रोशन किया, इसी तरह से ये इदारा तरक्की करता रहे, हमारी कोशिशें भी हैं और ये अल्लाह रब इज़्ज़त के बारगाह में हम दुआ भी करेंगे। बहुत सारे यहाँ से स्टूडेंट ऐसे रहे कि जिन्होंने दीनी तालीम हासिल की और दीनी तालीम हासिल करने के बाद उसी फील्ड में अपने खदमात दी, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं कि जिन्होंने दुनियावी तालीम भी हासिल की और उसमें भी नाम रोशन किया। कई लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की है, एक साहब हैं जो यहाँ पढ़ते थे, अब वो इस वक्त एएमयू से पीएचडी अरबिक में कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे करीब में एक गांव छजरा के रहने वाले एक होनहार तालिब इल्म जो यहाँ पर तालीम पाते थे, उन्होंने पीसीएस मेंस को क्लियर किया है। उम्मीद है कि वो आगे भी फाइनल एग्ज़ाम को भी निकालेंगे और इंशाल्लाह इदारे का नाम रोशन करेंगे।